जिस घड़ी का आपको इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण अपरेंटिसशिप की वैकेंसी और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास रहने वाला है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बढ़िया यहाँ पर अपरेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर जो है कुल 2409 यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों यह जो वैकेंसीज है यह सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकली हुई है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 28/8/2023 यानी आज के दिन यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है वह कल से जारी होगा। और यहाँ पर कब तक रहेगा? 28 सितंबर 2023 तक यहाँ पर रहने वाला है। देखिए कौन से ट्रेड के लिए मौका दिया गया है, कितनी वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पर निकली हुई है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपका जो सिलेक्शन है वह कैसे होगा? 10th के मार्क प्लस ITI के मार्क डिवाइड इसको 2 से करना और जितना भी परसेंटेज आएगा उससे जो है आपका मेरिट बन जाएगा। और दोस्तों आप जो है यहाँ पर SCVT से हो या NCVT से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और हाल ही में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पास हो चुके हैं वह भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, कहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। देखिए यहाँ पर मुंबई क्लस्टर यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लस्टर और यहाँ पर यूनिट कल्याण कुर्ला यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर यूनिट से यह वैकेंसी निकली हुई है। पुणे हो गया, नागपुर हो गया, सोलापुर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल रेलवे के तरफ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे 20% का कोटा यहाँ पर ग्रुप सी में मिलने वाला है। यानी जो भी ग्रुप डी था उसको ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया है, तो यह जो है आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ये LPU की वैकेंसी निकली तो उसको भी उसमें भी आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ट्रेड में कौन सा है। यहाँ पर मुंबई क्लस्टर की तरफ से देख सकते हैं, देखिए फिटर वेल्डर कारपेंटर पेंटर टेलर यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड कितना 1 साल का रहने वाला है, कौन से ट्रेड के लिए और यहाँ पर कौन से क्लस्टर के लिए कितनी वैकेंसी निकली है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कल्याण डीजल सेड से यहाँ पर देख सकते हैं मशीनिस्ट के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुरला भी देख सकते हैं आप यहाँ पर SRDEE कल्याण। देखिए यहाँ पर यह जो पूरी नोटिफिकेशन है यह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं परेल वर्कशॉप, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी या वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज दिखाई दे रही है। फॉर्म भरने का डेट कल से है तो यहाँ पर आप कल से जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पर ITI में मन लगाकर पढ़ाई की होगी और जिनका भी परसेंटेज अच्छा खासा है उनका बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पर इसमें जो है सिलेक्शन होने का, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, वड़गांव देवत कुर्डवाड़ी वर्कशॉप। देखिए यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम जो है आपको 15 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि आपका जन्म जो है यहाँ पर इस तारीख से लेकर यहाँ के बीच में होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं रिलैक्सेशन का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 10वीं पास होना चाहिए। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 50% होनी चाहिए, मिनिमम 50% आपको होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर पेमेंट और एप्लीकेशन फ़ी कितनी होने वाली है, यहाँ पर आपको जो है 100 रुपीज़ पेमेंट लगने वाली है। और यहाँ पर यह जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस नहीं मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आपका जो है यह 100 रुपीज़ नहीं मिलने वाली है वापस। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यह सिर्फ UR यानी अनरिजर्व और जो है OBC वालों के लिए रहेगा,
यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज या फीस नहीं लगने वाली है। वुमेन कैंडिडेट को किसी भी कैटेगरी के हो उनको जो है यहाँ पर फीस नहीं लगने वाली है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल के लिए भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होता है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट www.rrccr यानी centralrailway.com, यहाँ पर आप इसको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, आपको जो है यहाँ पर जो कास्ट होती है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, यह जो है इनको यह फॉर्मेट दिया जाता है, इसी फॉर्मेट में जो है आपको बनवाना होता है। आपको जो है स्टाइपेंड कितने मिलने वाला है, तो 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो आप अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर इसी ईमेल पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उनको, और आपका जो डाउट है वह भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह कौन सा है, देखिए यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, यह जो है सेंट्रल की कास्ट है, यह क्राइटेरिया दिया जाता है। इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के आपको जो है इसको पूरे के तरीके से यहाँ पर फिल करना होता है, तभी जाके वह जो है सही माना जाता है। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।